जिंदगी वो दरिया है जिसकी तेज लहरों में आदमी को बहना है। आने जाने वाले सब मौसमों में रहना है, मौसमों में रहना है। वक्त की अंधेरी पर आसमाने जो लिखा तारना नगर चाहे फिर भी टल नहीं सकता। दूसरा कोई भी हो आदमी की किस्मत का रुख बदल नहीं सकता, साथ चल नहीं सकता। जिंदगी वो दरिया है, की शादी राहुल से करा दे। अगर आप मुझे सचमुच अपनी बेटी समझते हैं तो ऐसी बातें करके मेरा दिल क्यों दुखाते हैं? बाबूजी, एक दिन आप मुझे सुखी देखेंगे, ये बेटी का अपने बाप से वादा है। और कसम खाता हूं कि जब तक शमशेर राज के एक एक चराग को बुझा ना दूं मैं तुम्हारी अस्थियां गंगा में नहीं बहाऊंगा। सारा बीबी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या बात है खान साहब, आज बहुत देर लगा दी। सारा बीबी, आज मैं जामे मस्जिद चला गया था, सोचा जुमे की नमाज बहुत दिनों के बाद आज वहीं पढ़ लूं। फिर भी काफी देर हो गई, रास्ते में बहुत भीड़ थी क्या? नहीं, भीड़ तो नहीं था, दरअसल मैं कहीं चला गया था। कहां? आपके वास्ते ये लाने। मेरे लिए क्या? तोहफा। नहीं खान साहब। क्यों? नौकरानियों को इस तरह से तोहफे नहीं दिए जाते। चलो बीबी, मैं बीमार था, आपने मेरा तीमारदारी किया, रात रात भर जाग के मैं तेज बुखार में फुलक रहा था, आपने मेरे माथे पे सर पट्टियां रखी, अल्लाह से मेरी शफा की दुआ मांगी। क्यों? मैं इस घर की खादिमा हूँ, ये मेरा फर्ज बनता है। और फिर मैं आपको बुखार में तड़पता हुआ छोड़कर तो नहीं जा सकती थी, आखिर मैं भी इंसान हूँ। मैं भी इंसान ही हूँ, एहसान फरामोश नहीं। ले लो सारा बीबी। ले लो। नहीं। लो सारा बीबी। सारा बीबी ले लो, आपको पसंद आएगा। Thank you.
क्या हम अंदर आ सकते हैं? आइए ना गुप्पी जी। बात दरअसल यह है कि हमें आपसे एक जरूरी काम था। हाँ हाँ बताइए। ये आप अपना चेहरा इतना उदास रखकर बोलेंगी तो हम नहीं बताएंगे। पहले आप मुझे ये बताइए कि आपने क्यों ऐसा चेहरा बना के रखा है? बाबूजी ने डांटा क्या? अरे नहीं नहीं, बाबूजी ने नहीं डांटा। वो बात दरअसल ये है कि वो जब से सिमरन बिटिया गई है ना, हम बहुत परेशान रहते हैं। लेकिन जाते जाते वो कह गई थी कि बहू रानी से अपना लेसुन लेते रहना, वो तुम्हें अच्छी तरह से पढ़ा देंगी। पढ़ाऊंगी? आप कौन से क्लास में पढ़ते हैं? अरे हम फर्स्ट क्लास हैं, लेकिन अगर पढ़ाई रुक गई तो कहीं थर्ड क्लास नहीं हो जाए? मैं कुछ समझी नहीं। बात यह है कि देखिए ना, जो परीक्षा हमारे सर पर आ गई है, हमको कुछ लेसन याद करने हैं। अगर आप हमारी थोड़ी सी मदद कर दें तो हम फर्स्ट नंबर से पास हो जाएंगे। लाइए आपकी किताब, मैं पढ़ाती हूँ। लेकिन आपने आज तक क्या पढ़ा है? अरे हमने तो सब पढ़ा है, नर मादा जेंडर वंडर सब घोट कर पी गए हैं। आपको सुनना है? सुनाइए। मैन वुमैन, बॉय वो बॉय। क्या नहीं समझी ना आप? गुप्पी जी, आप तो बड़े ज्ञानी ध्यानी हैं, आपको सिखाने की क्या जरूरत है? और भाभी जान, सब खैरियत है ना? सब खैरियत है सारा। तुम मेरी छोड़ो, अपनी सुनाओ। अशरफ की क्या हालचाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक है। भाभी जान एक बात कहूँ? आप मेरी बात टाल रही हैं। नहीं तो, ऐसी कोई बात नहीं है। शमशेर भाई की तबीयत कैसी है? हाँ ठीक है। विशाल और उसकी दुल्हन? कैसी दुल्हन सारा, पूर्णिमा के नसीब में दुल्हन जैसा कोई सुख नहीं है। वो तो सुहागन होते हुए भी सुहागन नहीं है। क्या ये आप क्या कह रही भाभी जान? विशाल ने उसे कबूल नहीं किया है सारा। सुहाग रात के दिन उसने दुल्हन का मुंह भी नहीं देखा है। वो तो दोनों अलग कमरे में रहते हैं। अल्लाह तौबा, लेकिन वजह? वजह आरती है। आरती से तो विशाल के दिल में आरती की याद धुंधली पड़ चुकी थी। मगर जब उसे पता चला कि आरती उसके बच्चे की माँ बनने वाली है, तब वो याद फिर से जिंदा हो गई। अब वो आरती उसके बच्चे के सिवा किसी को अपना नहीं समझता। बेकसूर पूर्णिमा, वो तो बेचारी भवन में ही फंस गई। यही तो दुख मुझे खाए जा रहे हैं सारा। कितने विश्वास और श्रद्धा के साथ उसने हमारी घर की दहलीज के अंदर कदम रखा था। न जाने कितने सुनहरे सपने अपनी आंखों में बसा रखे थे। उसके सारे अरमान, सारे ख्वाब एक रात में ही बिखर गए सारा। जब मैं ये सोचती हूँ तो मेरा कलेजा फटने लगता है। मैं बहू से नजरें भी मिला नहीं पाती। भाभी जान, आप अपने आप को कसूरवार क्यों समझ रही हैं? आपने जानबूझकर तो कुछ भी नहीं किया ना। समझ में नहीं आता कसूर किसका है। हालात का भाभी जान, इंशाअल्लाह ताला आप देखिएगा, वक्त के साथ साथ हालात बिल्कुल बदल जाएंगे। आप उम्मीद तो रखिए भाभी जान। तुम मेरी बात को समझ नहीं रही है सारा। विशाल अगर बहू को अपने कमरे में रहने की इजाजत दे दे तो शायद। भाभी जान, दोनों की शादी को वक्त ही कितना गुजरा है। आप देखिएगा, इंशाअल्लाह पूर्णिमा की गोद जरूर हरी होगी। आखिर विशाल कब तक पूर्णिमा से दूर रह सकता है? भगवान तुम्हारी बात को सच कर दिखाए सारा। हेलो मिस्टर राज, वो आंखें चुरा कर कहाँ जा रहे हैं आप? मैं बहुत देर से आप ही का इंतजार कर रहा था। मैं देखना चाहता था आपको, देखना चाहता था आपका टूटा हुआ अहंकार, झुकी हुई नजरें और झूठी शान और इज्जत। हमारी शान और इज्जत हमारे आन बान का घरौंदा किसी कच्ची मट्टी का नहीं बना हुआ जिसे तुम जैसे घटिया आदमी उठा सके। ये आपका भ्रम है।
आंखें खोलो और देखो शमशेर राज, आप अपनी बेटी की शादी उसी लड़के के साथ करने पर मजबूर हो गए जिसके साथ वो रात के अंधेरे में भाग गई थी। कमल चोपड़ा, तुम भी एक बेटे के बाप हो और हमारी मरहूम बहन के पति, इसलिए हम तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहते, लेकिन फिर भी एक बात कह देते हैं, अगर पुराने जख्मों को छेड़ोगे तो वक्त का खंजर अच्छे अच्छों को घायल कर देता है। वक्त का वही जालिम खंजर घात लगाए ताक में बैठा है आपकी शमशेर राज, इसलिए आरती और उसके बच्चे को भूलने की गलती कभी मत करना वरना बहुत पछताओगे। मैं शमशेर राज बोल रहा हूं, मैं तुमसे अर्जेंटली मिलना चाहता हूं। हाँ उसी तरह। चुप, बेवकूफ गुड़गुड़ाती रहती है। ओह, ये पता नहीं मुर्गियां कहां से आ गई। सबक याद करने नहीं देती। गुप्पी जी, ओहो, ये बहु रानी जब चुप फिर गुड़गुड़ाती है। चुप, मुर्गियां मेरे पीछे पड़ गई है। एक तो ऊपर वो बहु रानी जब से आई है मेरा पूछा ही नहीं कि कुप्पी तेरा लहसुन कैसा चल रहा है। अरे परीक्षा सर पे आ गई है भैया और कहती है हम पूरा हिसाब लेंगे। बोलो भैया। हाँ, मैन वुमेन, बॉय वुमन। ओह, कुप्पी तुझसे कितनी बार कहा है कि बॉय का ग्रिल आता है, ग्रिल। हाँ चलो आगे पढ़ो। डंकी डंकी वुमन, हार्स हार्स वुमन, एलिफेंट एलिफेंट वुमन। चलो चलो अब हिंदी में याद करते हैं। क्या है? हाँ, ठाकुर ठाकुरायन, कुप्पी कुपरायन, रंगोली रंगना। ये रंगनाथन कहाँ से आ गया? खजूर खजरायन, रंगोली रंग। कुप्पी जी आजे, कोई पढ़ने क्यों नहीं देता, कभी मुर्गी कभी मुर्गा। आरती के बारे में तुम क्या जानते हो? बस इतना कि वो इस वक्त इंडिया में। इंडिया के किस शहर में? मैं नहीं जानता। देखो सुमित, आरती के बारे में जानना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और पैसा कमाना तुम्हारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हम तुम्हें इस काम के लिए मुंह मांगी रकम देंगे। मुझे अफसोस है सर कि पैसा कमाने का इतना अच्छा चांस मैं गंवा रहा हूँ। कमल चोपड़ा एक्चुअली आरती जी के वेयर अबाउट्स के बारे में बहुत सीक्रेट रखते हैं। मैंने हमेशा मुझे इस मामले से दूर रखा और वैसे भी अब मैं कमल चोपड़ा के मुलाजमत में नहीं रहा। लेकिन ऑफिस में किसी को तो खबर होगी, तुम तलाश करो। जी सर। हेलो। हेलो आरती, मैं कमल बोल रहा हूँ, कैसी हो? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वेरी गुड, मेरा भेजा हुआ ड्राफ्ट मिल गया ना? जी अंकल, आज ही मिला है। थैंक्स अ मिलियन अंकल। आपके एहसानात का कर्ज मुझ पर बढ़ता ही जा रहा है। मैं तुम पर कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ आरती, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ तुम्हारे बच्चे के लिए कर रहा हूँ। खैर, डॉक्टर के पास रेगुलर चेकअप के लिए जाती हो ना? जी हाँ जाती हूँ।
वेरी गुड, टेक केयर, ओके, बाय बाय. बाय अंकल. ये अच्छा है आरती, किस खेल में तुम एक नए किरदार को जन्म दे रही हो. अब देखना यह है कि ये नायक बनेगा या खलनायक. बैठो, लेकिन किराया 20 दिरहम होगा. बोला ठीक है, वो बैठ गया गाड़ी में, मैं उसको दुबई ले गया. जब दुबई जाके कमबख्त उतरा तो 20 दिरहम के बजाय मेरे हाथ में उसने 5 दिरहम थमा दिए. अरे उसने ऐसा क्यों किया जबकि किराया तो तय हो चुका था ना? इसी बात का तो रोना है बीबी. वो ये साबित करना चाहता था कि वो शारजा से आया ही नहीं है बल्कि बाहर दुबई से गाड़ी में बैठा है. सबके सामने मुझे झूठा डालने की कोशिश कर रहा था वो. मेरे को गुस्सा आया, मेरे को बहुत गुस्सा आया. मैं हाथ उठा दिया उसके ऊपर. खान साहब, जब बातचीत से मामला रफा दफा हो सकता था तो आपने हाथ क्यों उठाया? क्या तुम भी ये कहना चाहता है कि मैंने गलती किया? एक आदमी बड़े बाजार में मुझे जलील कर रहा है, गुलखान को झूठा डालने की कोशिश कर रहा है और गुलखान चुप करके बैठा रहेगा. नहीं, ये मतलब नहीं था खान. तो तुम्हारा क्या मतलब था? यही मतलब था तुम्हारा? आप दूसरों का गुस्सा मुझ पर क्यों उतार रहे हैं? तुम कहना क्या चाहता है? और देखो, मुझसे बहस करने की जरूरत नहीं है और कभी भी मेरे जाति मामले में दखल नहीं देना. जाओ यहाँ से, दबाओ जाओ, बाहर जाओ. तुम मुसीबत है इस घर में, तुम मुसीबत है. बहुत देर से पेंटिंग कर रहे हैं, थक गए होंगे. आइए दूध पी लीजिए. रख दो, पी लूंगा. पहले दूध पी लीजिए, ठंडा हो जाएगा. मैं कहा ना पी लूंगा, तुम जाओ ऐसे. मैंने कहा जा रहे हैं ऐसे. देखो, मैं तुम्हारा लिहाज करता हूं, इसका मतलब ये नहीं तुम इसका नाजायज फायदा उठाओ. फायदा? मेरा क्या फायदा है? मेरा तो नुकसान ही नुकसान है. मैं तुम्हें बार बार समझा चुका हूं, इस घर में रहना है तो अपनी हद में रहो. पूर्णिमा, तो बता दीजिए मेरी हद क्या है? तुम्हारी हद इस कमरे की दहलीज के बाहर खत्म हो जाती है. पूर्णिमा, ईशान, अगर हम एक दूसरे को सुख नहीं दे सकते तो दुख भी तो नहीं देना चाहिए. सुखी होना चाहती हो ना तुम? सुखी होना चाहती हो ना? तो मुझे छोड़कर अब एक नए सिरे से अपनी जिंदगी क्यों नहीं बसा लेती? जाओ, तुम भी सुखी हो जाओगी और मैं भी इस गिल्ट फीलिंग से आजाद हो जाऊंगा. विशाल, मैं उन औरतों में से हूं जो पति को भगवान का रूप मानती है और भगवान सिर्फ एक होता है.